be good for me. Finally, हमने एंट्री ले लिया, यहाँ से एंट्री लिया हमने और एंटर कर चुके हैं अब सिकंदरा के अंदर। आप चारों तरफ देख सकते हैं नज़ारे, मेन गेट वहाँ पर है और अब हम आपको एक एक चीज़ यहाँ से दिखाएंगे। यहाँ पर देखने लायक जो चीज़ें हैं वो हैं ये, अकबर स्टॉम है, कांच महल है और उधर को एग्जिट है। ये है वॉल, किले टाइप की वॉल है पूरी। पहले हम इस तरफ ही चलते हैं, देख के आते हैं क्या है कांच में। ये कांच महल और लोदी महल उस तरफ है। ये एक दरवाजा है एंट्री के लिए, काफी बड़ा दरवाजा है। ये बड़ी बड़ी पीकॉक्स, पीहन। ये है कांच महल, आप यहाँ देख सकते हैं खूबसूरती, इतनी सारी पीकॉक्स हैं। ये कांच महल है। चारों तरफ से हम देखने वाले हैं इसको। तो दोस्तों ये है कांच महल, यहाँ का बताया जाता है इसको शीश महल या फिर कांच महल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पूरे में हीरे जवाहरात शीशे जड़े हुए थे, लेकिन औरंगज़ेब के टाइम पर यहाँ पर जो आक्रमण हुआ था जाटों के द्वारा, राजा राम जाट, तो उनके ज़माने में जाटों ने मुग़ल एम्पायर की नाक में दम करके रखा था और काफ़ी नीचा दिखाया था मुग़लों को। यहाँ काफ़ी लूटपाट हुई थी, उसी दौरान यहाँ से सारे हीरे जवाहरात निकाल लिए गए और इसको तोड़ ताड़ के बंजर कर दिया गया। सामने की तरफ है लोधी टॉम, उधर कुछ देखने को है लोधी टॉम में। ये खुलने वाला है। अच्छा, ये तो फिर ओपन है। हाँ, ये वो है ना, टूट गया है, डैमेज है जो लोधी में। लोधी मंदिर, तो दोस्तों यह है लोधी का मकबरा। ये ककैया ईंट है जिससे पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, मुगल एरा के टाइम का है ये स्ट्रक्चर, यानी कि आज से 400-500 साल पुराना। ये भी आक्रमण के दौरान तोड़ दिया गया था इसको। इस तरफ से देख लेते हैं, काफी बंजर खतरनाक सा दिखाई दे रहा है, काफी हॉरिफाइंग सा है ये। कहते तो हैं ऐसी जगहों पर अकेले जाना नहीं चाहिए, बट अब आ गए हैं, आपको दिखाना है तो दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं ये डैमेज, अंदर दरवाजे हैं पूरे। सीढ़ियों से रास्ता भी ऊपर जाने का, पर हम जाएंगे नहीं। ये सामने फिर से शीश महल आ गया, कांच महल। ये है लोधी महल, थोड़ा अंदर से भी देख ही लेते हैं।
इतना भी क्या डरना। आई थिंक हर तरफ एक सा बना हुआ है, थोड़ा भूल भुलैया टाइप का लग रहा है मुझको। यस, ये सेंट्रल गुम्बद है और अब हम खड़े हैं इसके बीचों बीच में और चारों तरफ से रास्ते हैं। अगर आपको कोई घुमा दे तो आप समझ नहीं पाएंगे कौन सी साइड आपको निकलना है। ये बंद किया है बाद में, लेकिन ये भी रास्ता था। ये तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात द्वार हैं यहाँ पे। अब हम लोधी टॉम से निकलते हैं, और कुछ यहाँ देखने को है नहीं, खंडर हो रखा है पूरा। तो अब हम चलते हैं मेन सिकंदरा की तरफ वापस से। कहीं अगर मुझे कोई हिस्ट्री दिखाई देगी लिखी हुई तो मैं आपको जरूर पढ़ के बताऊंगा कांच महल के बारे में। चलिए देखते हैं, वापस से आ चुके हैं हम कांच महल की तरफ, लोधी टाउन की तरफ से। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ऐसा लिखा है वहाँ पे। इसकी बाउंड्री तो वहाँ तक काफ़ी दूर तक है, लेकिन शायद हर जगह जाना अलाउड नहीं है। उस तरफ है अकबर्स टाउन, इसके बाद हम वहीं जाने वाले हैं। काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है यार, वैसे कांच चढ़ा हुआ है कभी भी कई जगह पर। ज्यादा नहीं दिख पाएगा मुझे। पर कुछ लिखा है, द कांच महल 1605 से 1980। दिस प्लेस वॉज हरीम क्वार्टर, अ महल और लेडीज रिजॉर्ट यूज्ड एज सिकरगाह हंटिंग लॉज बाय जहांगीर। इट कैन बी असाइंड टू द पीरियड 1605 to 1619 AD बिकॉज ऑफ इट्स सिचुएशन ऑन आगरा दिल्ली इंपीरियल हाईवे। इट वॉज सच डैमेज्ड ड्यूरिंग द एज ऑफ लेटर मुगल्स। द बिल्डिंग इज स्क्वायर एंड ओरिजिनली मेजर्ड 16.15 into 16.15 meters। इट इज़ अ टू स्टोरीड मैंशन प्लान्ड अराउंड अ कवर्ड सेंट्रल स्क्वायर हॉल रूफ्ड बाय अ वॉल्टेड सोफिट। ये है फ्रंट से व्यू कांच महल का। सिकंदरा की आप दीवारें देख पा रहे होंगे पीछे। कांच महल का हिस्ट्री जिनको हिंदी में पढ़नी है वो यहाँ पढ़ सकते हैं। खूबसूरत पीकॉक्स तो आपने देख ही लिए हैं। अब हम चलते हैं मेन अकबर्स टाउन की तरफ।